एलियन हाफ मून ब्रीड हो रहे, आप देख सकते हैं दोनों बबल नेस्ट के नीचे है और मेल फीमेल को स्वैपिंग कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब ना करना चाह रहा हूँ इसलिए रख लेंगे। ये बार्गोस है तो ब्रीड नहीं हुआ, फिर हम उसको निकाल के फिर एक वीक कंडीशन करके फिर ट्राई करता हूँ। ब्लैक बिग टेल भी आज ब्रीड होने का चांसेस रहता है, देख लेंगे। मैं थोड़ा शिफ्ट किया उधर से इधर ताकि मेरे को चेक करने के लिए भी इजी रहता। इसमें एलियन हाफ मून ब्रीड हो गया, इसका फीमेल हमें अभी निकाल देंगे नहीं तो वो भी एक्स काट लेगा, तक नहीं तो वो मेल। ओके, इसको फिर उसको इधर रख लेंगे हम। इसको थोड़ा अच्छे से लाइव फूड खिलाना ब्रीडिंग के बाद ताकि फीमेल कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। कभी कभी बेटर्स वाइल्ड है ना, इवन फैंसी वाला भी ऐसी करता, फीमेल कुछ भी डैमेज नहीं करता ब्रीडिंग के समय पर, लेकिन कुछ कुछ बहुत डैमेज करता फीमेल को, फिनेज को, लेकिन वो फिर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसको थोड़ा लाइव फीड दे देंगे हम। अच्छा, मस्किटो लार्वा थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है मस्किटो लार्वा में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, इवन थोड़ा इसमें मैना भी है, मैना भी डाल दिया। ऐसे हम अच्छे से खिलाना है कभी भी ब्रीडिंग के बाद, नहीं तो फीमेल वीक होके कभी कभी मर भी जा सकते हैं बाद में, इसलिए हम ब्रीडिंग के बाद जब भी फीमेल को निकाला अच्छे से खिलाना। ये ब्लैक पेयर तो शायद अंडे खा लिया, मेल इधर आ रहे थे, उसका भी फीमेल निकाल देंगे। बार्गोस है तो भी अभी तक ब्रीड नहीं हुआ, आज तक वेट करेंगे, आज भी ब्रीडिंग नहीं हुआ तो इसको निकाल के फिर एक वीक को कंडीशन करके फिर हम फिर ब्रीडिंग को लगा देंगे। कैसे भी एलियन का ऑलरेडी ब्रीडिंग हो गया, इसका तो ब्रीडिंग सीरीज कंटिन्यू हो जाएगा रेगुलरली। फ्राई से एडल्ट साइज तक ग्रो होने तक कैसे कैसे मैं करता हूँ पूरा आपको डिटेल्स रेगुलरली अपडेट करता हूँ फ्रेंड्स, सो कीप वॉचिंग फ्रेंड्स। एलियन हाफ मून जो एक ही पेयर ब्रीड हुआ, तीन पेयरों में वो अंडा खा लिया। ए बी आर जी बी जी भी हमने रख लिया है प्रीमियम ग्रेड वाला ब्रीडिंग के लिए, ये सक्सेसफुली ब्रीड हो गया। सो ये सीरीज़ में हम कंटिन्यू करेंगे बिना अलग सीरीज़ को ऐसा रखने के जगह। आप देख सकते हैं इसमें अंडे दिख रहे हैं आपको बबल नेस्ट में, बाकी अंडे ऑलरेडी थर्माकोल के नीचे रख लिया मेल ने, और फीमेल भी आप देख सकते हैं किनारे में चले गया, और मेल भी कितना अच्छे से केयरिंग कर रहे हैं और बबल नेस्ट भी अच्छे से बना रहे हैं। सो मेजॉरिटी फ्राई हैचिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। प्रीमियम ग्रेड गैलेक्सी सक्सेसफुली ब्रेड एंड यू कैन सी फ्राइज ऑल्सो फ्रेंड्स, इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फ्राइज, दे आर नॉट एट कम्प्लीटली फ्री स्विमिंग। सो आई नीड टू स्टार्ट हैचिंग आर्टेमिया, आई विल कीप आर्टेमिया ऑल्सो टुडे। This is the premium grade RGBG. This is successfully bred and we got as bubble nest is very thick, we can't see how many flies were there. I have fed with little mosquito larva, but we must not feed more because mosquito larva will damage fry also. So it is search, male is searching if any fry is. Oh, male fry ko search kar rahe. वो कुछ फ्राई मिला तो फिर वो लेके बबल नेस्ट में रख लेगा वो बबल्स में, ताकि उसको प्रॉपर एरेशन मिलेगा। हाउ गुड इट इज़ लुकिंग इन डेलाइट कंडीशन आल्सो, इट इज़ सर्चिंग फॉर इट्स फ्राई इफ एनीवेयर इट इज़ मिसिंग। अच्छा केयरिंग वाला मेल्स ऐसे ही रहते हैं, अच्छे कायल करते हैं उसको बच्चे को,
इवन बच्चे फ्री स्विमिंग होने के बाद भी हम चाहे तो एक दो दिन रख सकते। तो मेल जब भी हम आरटीएम में कहलाते हैं ना, वो देख के ये भी बच्चे भी फीडिंग स्टार्ट करते हो उसको, मेल को देख के, इसलिए कुछ लोग वैसे भी रखते। मैं मोस्टली फिफ्थ डे को रिमूव करता हूँ देख के, पूरा फ्री स्विमिंग हो गया तो। क्या होता है ना, कभी कभी एक्सीडेंटली जब वो खाने के लिए आटी में कैच करने के लिए फ्राई उधर है तो फ्राई भी डैमेज होने का चांस रहता है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते मेल, मतलब अच्छे से केयर किया तो। और एक बात है कि ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना फ्रेंड्स, ज़्यादा डिस्टर्ब किया तो भी फ्राई आया तो भी फ्राई को भी खा जाता मेल्स, इसलिए मैं थोड़ा दूर से ही निकाल रहा हूँ वीडियो। बट मोस्टली आई सजेस्ट नॉट टू डिस्टर्ब, मैं ब्रीडिंग सीरीज के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ, मैं मोस्टली इसको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता हूँ ऐसा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिला। सो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिए, आपका दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।